इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आइए आपको ले चलते हैं आज की बड़ी खबर पर। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरोप लगाया कि अमेठी छोड़कर जब वो दक्षिण भारत गए तो वहां से उन्होंने अमेठी की जनता, अमेठी का अपमान किया। स्मृति ईरानी ने ट्रामा सेंटर जगदीशपुर में सिटी स्कैन एवं डायग्नोस्टिक सेंटर का शुक्रवार को उद्घाटन किया। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में राहुल गांधी के अमेठी से चुनाव लड़ने के सवाल पर स्मृति ने कहा कि लोकतंत्र में किसी को भी कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, वे अपनी पार्टी के मालिक है, लेकिन मैं अपनी पार्टी की एक साधारण सी कार्यकर्ता हूँ। उन्होंने कहा कि लेकिन अमेठी छोड़कर जब वे दक्षिण भारत गए तो वहाँ से उन्होंने अमेठी की जनता का अपमान किया, अमेठी का अपमान किया, अमेठी उसे भूल नहीं है। राहुल की तरह दो जगह से चुनाव लड़ने के सवाल पर स्मृति ने कहा कि भागने की प्रथा उनके यहाँ है, मेरे यहाँ नहीं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लंबे समय तक इस परिवार का व्यक्ति अमेठी में कांग्रेस का सांसद रहा और माताजी की सरकार रही, लेकिन अमेठी में मेडिकल कॉलेज, बाईपास, ट्रॉमा सेंटर, सिटी स्कैन और डायग्नोस्टिक सेंटर की स्थापना तब हुई जब केंद्र में नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी। स्मृति ने कहा कि अमेठी में उस वक्त को देखा है जब गरीबों को अपने हाल पर छोड़ दिया जाता था, उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं था। कोरोना वायरस महामारी के दौरान लोगों को मदद पहुंचाने में हमने कहीं भी राजनीति नहीं की। शक्ति से अछूता नहीं रहा। अमेठी ने कई प्रधानमंत्री दिए, कांग्रेस की सरकार को देखा, सपा की सरकार को देखा, जो प्रदेश में सरकार चलाते उनको कांग्रेस का समर्थन रहा, इतना समर्थन रहा कि चुनाव भी कभी कांग्रेस पार्टी यहाँ से अकेली नहीं लड़ पाई। हम एक थे, वो तीन हमारे सामने लड़े। लेकिन इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में सरकार होने का फायदा नागरिक को कभी नहीं हुआ। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में सांसद कांग्रेस का था, सरकार उनकी माताजी की थी। अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विधायक सपा के रहे, कांग्रेस के रहे, लेकिन मोदी योगी के राज में मेडिकल कॉलेज आया, ये सत्य है। अमेठी का सांसद कांग्रेस का रहा, सरकार उनकी माताजी की रही, लेकिन ट्रॉमा सेंटर मोदी योगी के राज में आया, सीटी स्कैन की मशीन योगी मोदी के राज में आई, बोइंग योगी मोदी के राज में आई। अमेठी में सांसद कांग्रेस का रहा, माताजी की सरकार रही, यहाँ पर दोस्त के साथ साइकिल पर बैठकर सैर करते थे, विधायक सपा के उनके साथ मंच पर एक दूसरे को फूलहार चढ़ाते थे, लेकिन बाईपास मोदी ने बनाया। और इसीलिए आज आपकी प्रतिनिधि, आपकी दीदी होने के नाते मैं संतोष का स्मरण भी करती हूँ, इस संतोष को व्यक्त भी करती हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी जब साल 2014 में आए तब उन्होंने आपसे अपील की थी कि एक मौका दीजिए। कुछ वोटों से चूक गई, लेकिन अमेठी का साथ नहीं छोड़ा। 19 में प्रधानमंत्री जी पुनः पधारे, कहा कि 5 साल मेरी बहन ने मदद की है, मेहनत की है, अब एक मौका दीजिए। लेकिन आज मुझे गौरव है कि आपने एक मौका दिया तो एक तरफ ट्रॉमा सेंटर, मेडिकल कॉलेज, बाईपास, लेकिन साथ ही साथ आज 7.5 लाख लोगों को अनाज मिल रहा है, 5 लाख किसान को 6,000 रुपया उसके बैंक के खाते में मिल रहा है, 3 लाख परिवारों को पहली बार जीवन में टॉयलेट मिला है, शौचालय तक नहीं था, 90,000 परिवारों को पहली बार घर की चाबी मिली है, 1,23,000 परिवारों को जीवन में पहली बार बिजली मिली है। अरे आपने सालों साल एक राजनीतिक परिवार के कुल को रोशन किया और आपको अंधेरे में रहना पड़ा। आज आपकी दीदी होने के नाते मेरा सौभाग्य है कि आज विकास की ये रोशनी हर घर तक पहुंची है। पुनः आपके सम्मुख संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार से डॉक्टर प्रयू ने आज घोषित किया है, उत्थान सेवा संस्थान के साथ बोइंग के सौजन्य से, सीएमओ साहब के योगदान से, मेडिकल एसोसिएशन IMA के सौजन्य से अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 100 मेडिकल कैंप चलाए जाएंगे, ताकि जो हमारे वरिष्ठ हैं उनको चल के अस्पताल ना आना पड़े, कैंसर की, कैटराइट की,
दिल की बीमारी और प्रधानमंत्री मोदी के आयुष्मान भारत के कार्ड के अंतर्गत जो स्वास्थ्य की मुफ्त सेवाएं हैं, अब एक वक्त था जब अमेठी वालों को डायलिसिस करने के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, सीटी स्कैन के लिए लखनऊ जाना पड़ता था, आज आसमान से सब धरती पर आए हैं, सीटी स्कैन आपके गांव में लाए हैं। इस योगदान के लिए पुनः आप सबको आभार व्यक्त करते हुए, अमेठी की जनता का अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। और आज ये वक्त आया है कि देश और विदेश की सबसे बड़ी एयरक्राफ्ट कंपनी अमेठी में स्वास्थ्य के प्रति और छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए योगदान देने आए हैं। बोइंग कंपनी का मैं और मेरी पार्टी के सभी कार्यकर्ता विशेष आभार व्यक्त करते हैं। ट्रॉमा सेंटर में सीटी स्कैन की व्यवस्था के साथ साथ आज यहाँ पर हमने संकल्प लिया है कि 100 से ज़्यादा मेडिकल कैंप्स हम लोग इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, CMO साहब, बोइंग और डॉक्टर्स फॉर यू के सौजन्य से करेंगे। अमेठी के इतिहास में पहली बार डिजीज़ मैपिंग हुई है, मतलब हर गांव में किस प्रकार की बीमारियां हैं, हर ब्लॉक में, न्याय पंचायत में किस प्रकार से स्वास्थ्य की कोई चुनौती है, ये करना, डिजीज़ मैपिंग बहुत ही अनिवार्य था ताकि आगे की स्वास्थ्य की दृष्टि से जो पृष्ठभूमि बनानी है, जो समाधान देना है, वो देने के लिए ये कार्य मेरे निवेदन पर जिला प्रशासन ने किया, उसके लिए उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आपको याद दिलाना चाहूँगी कि ये वो लोकसभा क्षेत्र है जिसमें भले ही कांग्रेस का सांसद रहा, सपा के विधायक रहे, लेकिन आज तक कभी भी ना मेडिकल कॉलेज आया, मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए, कभी ऑक्सीजन का प्लांट तक नहीं लगा, डायलिसिस के लिए लोगों को लखनऊ जाना पड़ता था। आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से डायलिसिस की व्यवस्था है, आज प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से कैंसर स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। मोदी योगी राज में ना सिर्फ ट्रॉमा सेंटर बल्कि रेफरल का काम भी यहाँ पर तेज़ी से हो रहा है और अमेठी एकमात्र वो लोकसभा क्षेत्र है जहाँ पर कोविड में ऑक्सीजन की कमी की वजह से किसी की भी मृत्यु नहीं हुई, ये रिकॉर्ड है। तो मेरे लिए ये बहुत ही संतोष की बात है। जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार और भारत सरकार अमेठी के गरीब के उत्थान के लिए यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। दीदी, लगातार बयान दे रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि राहुल गांधी मुझे ऐसा लगता है कि लोकतंत्र में सभी का अधिकार है, वो कहीं से भी लड़े, लेकिन प्रश्न ये उठता है, अमेठी में गांधी परिवार ने सदैव मोदी और योगी के राज का विरोध किया है। मोदी योगी राज में अमेठी लोकसभा क्षेत्र में 7.5 लाख लोगों को मुफ्त का अनाज मिलता है। क्या गांधी परिवार को लगता है कि गरीब अपने अधिकार का अनाज छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी परिवार पनप सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी का 5 लाख किसान अपना सालाना 6,000 रुपया छोड़ देगा मात्र इसलिए ताकि गांधी खानदान का नाम चमक सके? क्या गांधी परिवार को ये लगता है कि अमेठी में 90,000 परिवारों को जीवन में पहली बार घर मिला, घर की चाबी मिली? क्या 90,000 लोग अपना घर त्याग देंगे मात्र इसलिए कि गांधी परिवार का घर बस सके? क्या अमेठी में आज 3 लाख लोगों को जीवन में पहली बार शौचालय मिला, आपको लगता है वो अपना शौचालय इसलिए छोड़ देंगे अमेठी में ताकि गांधी परिवार चमक सके? लोकतंत्र में सबको कहीं से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है, लेकिन मैं आज पूछती हूँ, जिन्होंने जब अमेठी छोड़ा तब जाके दक्षिण में अमेठी के नागरिकों के बारे में जिस प्रकार की अभद्र टिप्पणी की कि हमारे लोगों का विवेक मर चुका है, जो लोग वोटर को राक्षस कहते हैं, आपको लगता है अमेठी की सम्मानित जनता ऐसे लोगों को स्वीकार करेगी? तो मैंने जितना अमेठी को 10 वर्षों में एक एक गांव, एक एक गली जाकर समझा है, अमेठी अपने आत्मसम्मान से कभी भी समझौता नहीं करेगी। पिछली बार राहुल गांधी ने 2 जगह से पर्चा भरा था, अभी 2 जगह से लड़ेंगे क्या? मैं इतना ही कहना चाहूँगी, वो अपनी पार्टी के मालिक हैं, मैं अपनी पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, लेकिन भागने की इतिहास मेरा नहीं रहा है, उनका रहा है। थैंक यू। इसी तरह देश दुनिया की हर खबर को जानने के लिए देखते रहिए इंडियन TV News। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। इंडियन TV News, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।